कहते हैं कि सिराज खान 92 वॉइस निकालते हैं, और वो भी इस महंगाई के दौर में जहां हमारी अपनी आवाज नहीं निकल रही। लेकिन चलिए आज मौका है, देखते हैं कि ये 92 वॉइस निकाल भी पाते हैं नहीं सिराज खान हमारे बीच। दोस्तों के बीच आज फंसा हूं, बड़ा अच्छा लगता है। फिल्मों में आपने देखा होगा हीरो की मां जब बीमार हो जाती है, हीरो भगवान के मंदिर पहुंचता है और भगवान से बात करना शुरू। पता नहीं कौन सा नेटवर्क काम करता है कि सीधे वो भगवान से बात करता है। मान लीजिए भगवान भी तुरंत जवाब देना शुरू कर दे, माहौल क्या होगा। आइए मिलवाता हूँ अमिताभ बच्चन से लेकर आदरणीय अन्ना हजारे जी और साथ में नरेंद्र मोदी जी से। हीरो जाएगा भगवान के मंदिर में, भगवान से बात करेगा, भगवान तुरंत जवाब देगा, माहौल क्या होगा। अमिताभ बच्चन की माँ बीमार, भगवान के मंदिर में अमिताभ बच्चन। आज खुश तो बात हो तुम आए। हाँ भगवान बोल रहे क्यों मेरी लॉटरी लगी है, मैं क्यों खुश होगा। जो आदमी कभी तुम्हारे मंदिर के सीढ़ी चला सामने खड़ा है। बोला खड़ा क्यों, बैठ जा। नाना पाटेकर की माँ बीमार, भगवान के मंदिर में नाना पाटेकर। अच्छा नहीं किया तूने, अच्छा नहीं किया, झगड़ा तेरे मेरे बीच माँ को भी चुक लाता। हाँ भगवान बोला ठीक हो गए निकल। सुनील शेट्टी की माँ बीमार, भगवान के मंदिर में सुनील शेट्टी। भगवान जा, भगवान बोला ट्रक के नीचे कौन आ गया। भगवान जय, मेरी माँ बीमार है, डॉक्टर ने आपने का अपना काम का इंडिया बाकी का भगवान का है। भगवान बोला तेरी बात साफ साफ समझ में नहीं आ रही है, जो प्रॉब्लम होगा सही हो जाएगा, निकल लो। सैफ अली खान की माँ बीमार, भगवान के मंदिर में सैफ अली खान। अरे भगवान जी वेल वेल वेल। भगवान बोला मैं उल्टी करेगा क्या, मेरी माँ बीमार है। वेल बोला तेरी वजह से हुआ है, दफा हो जाओ। इरफान खान की माँ बीमार, भगवान के मंदिर में इरफान खान। अरे भगवान जी पहचानते हो उनको, पहचानते भैया, अरे पान सिंह तोमर भागे थे, कोई पकड़ना पाया हमको। भगवान वाला नहीं पहचानते, वोडाफोन से डायरेक्ट 123 सब पता चल जाएगा, सब 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 सब। भगवान भी डायरेक्ट गुंडा है। बोला आप क्यों आए, आप तो एक मैसेज करता पक्का, मैसेज हो जाता। सनी देओल की माँ बीमार, भगवान के मंदिर में सनी देओल। ओए भगवान जी, भगवान वाला क्या बात है भाई, क्यों चिल्ला रहे हो। ओए मेरी माँ बीमार है, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ मैं पंडित को उठा के लेके जाऊंगा। भगवान बोला टेंशन के लिए हॉस्पिटल जा, कब की ठीक हो गई, धमकी क्यों दे रहा है। और एक इंसान जिनकी एक ही माँ है आदरणीय अन्ना हजारे जी, उनकी एक ही माँ है भारत माँ। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, देश के चंद गद्दार लोगों ने मेरे भारत माँ को बीमार कर दिया है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। नाच करे बंदर और मार खाए मदारी, भगवान मेरे भारत माँ को ठीक कर दो, वरना मैं अनशन करूंगा, मैं इधर भूखा बैठूंगा। भगवान बोला जैसे तेरी माँ वैसे मेरी माँ, मोदी जी आ गए, अब वही संभालेंगे। मोदी जी पहुंच गए। मित्रों कई साल से आपसे मैं कहता आयो, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन मित्रों आज तक मैंने डेट नहीं बताया, आज भी नहीं बताया, लेकिन मैं कहना चाहूंगा जो पल जिंदगी में हंसते हुए गुजर जाए जीवन के, वही अच्छे दिन है, वही अच्छे दिन है। हाँ मतलब अभी मैं सोचा था मिमिक्री करूँ, तो भाई अब मेरे को दो चार आवाज़ें बाद मैं भूल जाता हूँ मैं किसकी आवाज़ निकालूँ। हाँ भाई बोलते जाओ दो चार। अरे कितनी बार बुलवाओगे, अभी तो इरफान खान बोले थे, अब फिर से कह रहे इरफान खान बोलो। अरे छोटे रिचार्ज से काम नहीं चलेगा भैया, बड़ा वाला करवा लो, समझे, निकल लो, कबूतर का जमाना गया गया गया। आगे बोलो भैया। अभी कितनी बार बुलवाएगा यार, सेफ अली सेफ अली, वाओ ये नाम सेफ नहीं है, ये सिर्फ करीना के लिए सेफ है, वाओ वाओ। अबे अक्षय कुमार की बात कर रही है, बच्चे की जान लेगा, हमें दो तीन आवाजें मिला दो। मैं बाबू भैया को बोल दिया था, बाबू भैया मैं डर गई, चुप करो भाई चुप। सिद्धू किसी भी सिचुएशन पे मुहावरे बोल लेते हैं। गुरु परिंदे में परवाज होनी चाहिए, हर बंदे में बात होनी चाहिए, और मैदान में उतरे हो गुरु तो बल्ले से बरसात होनी चाहिए, खटाक। आगे बोलो। भक्त जनो सुनील पाल के बारे में अभी बोला बोलू, से एक बात बता रहा हूं, मैंने जो एक बार कमिटमेंट कर दी तो अपनी नहीं सुनता, दो बार कमिटमेंट कर दी तो अपने बाप की नहीं सुनता, और तीन बार कमिटमेंट कर दी तो लोग मेरी नहीं सुनता, भावना होगी समझो। एहसान जज साहब ने मरते हुए कैदी से कहा, जज साहब ने मरते हुए कैदी से कहा,
आप अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला हमारे बदले आप ही लटक जाइए। अब आसाराम बापू के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी आवाज निकालो, मैं तो कहता हूँ आपके जीवन में खुशी बनी रहे। बोलो राम। नशी साहब, एक कॉमन मैन क्या चाहता है? अगर आपके घर में कॉकरोच घुस जाए तो आप क्या करते हैं? आप उन्हें मार डालते हैं। यह आतंकवाद हमारे देश में घुसे हुए कॉकरोच हैं, और एक कॉमन मैन के नाते मैं इन्हें वही किया जो करना चाहिए था। पहचान कौन? हाँ, मैं ऊपर के नीचे कितना मालूम तकलीफ हुआ। ये बोलता क्या है? हाथ कुत्ता। नाना साहब, एक बात बता मेरे को। कैसे बताओ, कैसे बताओ मैं तुम्हारे लिए कौन हो? तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम खुशी हो, तुम ताजगी हो, तुम खुशी हो, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मरमीत हो। एक बात बता मेरे को, जो मासूम अपना नाम नहीं बता सकते उसे माँ के कातिल और धर्म के बारे में किसने बताया तूने? एक इस्माइल, तुम्हें इस मासूमों के जहन में अभी से तो दुश्मनी का बीज बो रहा है। ये हिंदू का खून, ये मुसलमान का खून, बता इसमें हिंदू का खून कौन सा है, मुसलमान का कौन सा? साले बनाने वाले ने फर्क नहीं किया तू कौन होता है। हाँ, अगली आवाज बोलो। ओम प्रकाश, आ जय हो बागे बिहारी की, जय हो मदन मुरारी की, वाह 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 वाह, आप 25 का बाका जवान हो गया है। ऐ लेकिन दत्तू की गोद पे चढ़ने और झूले भैया क्या बात है, वाह 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 वाह। बैरखुरदार शायद इस शहर में नए आए हो, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता, चिल्ला मत साहेब। पृथ्वीराज कपूर। शहजादे सलीम, ये क्या गुस्ताखी है? अपने उस स्तर से पेश आते हो, यह हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस देश में गंगा बहती है जी, राज कपूर, बम्बई बम धमाकों में सैकड़ों जाने गई। मैं तो कहता हूँ आतंकवादियों से जब किसी को जान दे नहीं सकते तो जान लेने का तुम्हें कोई हक नहीं है जी। चिनोई सेठ, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर फेंका नहीं करते, और हाँ, कौवा ऊंचाई पर बैठने से कबूतर नहीं बनता, क्या समझे जानी? आओ, मैं तोता था, नन्ना था, मुन्ना था, बच्चा ताकती का बोल, तुम्हारे नाते में तिलक आया था, तभी तुम्हें दुआन तलब कर लिए। आओ तोले दल में ठीक ओ जाऊंगा। आ एक लड़की थी अनजानी सी, गलियों से गुजरती थी। ए सलाम, अक्का पब्लिक सामने चाय को निकालने का नहीं लगता है। अबे खैराती खरबोचे उल्लू के अंडे भाप बजा के दिमाग चाट रहा है, जानते नहीं मैडम शत्रुघ्न प्रसाद नारायण सिन्हा है, समझे या नहीं? ए, हम तुम्हारे पांव के नीचे की जमीन इतनी गर्म कर देंगे कि तुम्हारे जूते तक में छाले पड़ जाएंगे। जिस दिन मुझे एड़ा मिल गया मैं उसका एनकाउंटर करूंगा, समझे? अरे ढूंढो तो मिले भैया, जिंदगी भर दूसरों को जादू की छपी देता रहा, आज बाप की हसरत पूरी कर दे बेटे। बाबूजी, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। बेटे, तूने जो आज काम किया है मेरा सीना खुशी से चौड़ा हो गया है। मैं नहीं जानता था लोग मेरे बेटे को इतना प्यार करते हैं। सदाशिव। ना घुना काला नाग, सामने अगर बाप भी आ जाए तो उसे भी डस लूं, तो ये देश क्या चीज है? तीन बंधु दीना ला डिविडियन है। ए पूजा, मत रो, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, मैं तुझे एक नंबर की बनाऊंगी। दादिया, ये मजदूर कहाँ थे? लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता है, यह जब किसी पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, लेट जाता है। बेटा राम प्रसाद। सर राम प्रसाद नहीं, श्याम प्रसाद, वो मेरा भाई। बेटा राम प्रसाद, बेटा तुम्हारे घर में सोना तो होगा बेटा, और तुम्हारी मुझे कहा गई? सर वो एक्चुअली मेरे भाई श्याम प्रसाद के पास पूछे थे, मेरे पास तो है ही नहीं। प्रेम डायरी मेरा, प्रेम चुमड़ा, मैं वो आदमी डका नहाएगा क्या, धोएगा क्या, मैं वो बोला जो शीशे से पत्ते को तोड़ता है। वैसे बात में वजन पैदा करते करते अपना वजन कम हो गया, वैसे पनवा खाने के बाद जो बोलने का मजा होता है भैया, उसके बाद क्या होता है? अमीन शानी साहब,
बहनों भाई और बच्चों हो जाइए तैयार फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े सितारों से मिलने के लिए। वो सितारे जिन्हें आपने स्क्रीन पर देखा है, चाहा है और हर वक्त रहते हैं बेकरार सुनने को उन तमाम फिल्म कलाकारों की आवाज। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर है, दूसरे जेलरों की तरह नहीं जो इधर उधर भटकते रहते हैं। अबे जब हम नहीं सुधरे तो तुम क्या सुधरोगे? डीडी को सारा शहर लॉयन के नाम से जानता है और इस शहर में हमारी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की होती है। That's all। गुप्ता जी, मैं कहता हूं तुम्हारी बहू पागल हो गई है, वे मरवा डालो वरना एक दिन ऐसा आएगा आप सबको मरना पड़ेगा। डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता। काशीनाथ हमारे साथ काम करो, रुपया पैसा मिलेगा। लोग तुम्हारे नाम से डरे। ओए तो उसे डरा कर वो जीता है जिसके हड्डियों में पानी। चिल्ला मत। ए सर्किट, आप उनका नाम रघु है क्या? अक्का मुंबई पे आप उन राज करते हैं, आप उन टेंशन लेता नहीं देता है। ए पकिया समझा इसको। श्री कृष्ण मंडारी, वीर अगर एक उंगली उठा दी ना, एक उंगली प्रकाश के ऊपर जाएगा भैया, फिर कबर खोदने की जगह ढूंढने का तो भैया ना मिले कुछ कह दो। ए भाई मेरी बात कुछ सुनो मेरे भाई, ये जो जिंदगी है उसके बारे में क्या कहें? और एक उंगली कैसा ले? ए कादर भाई समझाना इसको, मेरे को कितने बार बोला कि मेरे सामने से आने को नहीं, मैंने बोल लिया ना मेरे सामने जो आएगा लाफा मार लूंगा। हाँ बर्नमैन की राइट बात है, सबकी खोपड़ी में नहीं आती तो ही तो सब बड़ा के संग गाना गाना चावे मारे पंजाब में, ऐसा नहीं होता बर्नमैन। जगदीप साहब, अरे भैया मेरा नाम सूरमा भोपाली है। हाइडी हाइडी ये बात नहीं है, खंभा उखाड़ के निकल लो निकल लो। हाय जोनी भी मेरे आड़े टेढ़े तरीके काम कर रहे मेरे बाबा है, मेरे छोटी छोटी बच्ची बाबा बात कर रही है। एयरपोर्ट पे कितनी फैसिलिटी होती है, जेंट्स के लिए अलग लेडीज के लिए अलग, यहाँ प्रॉब्लम बाबा बाग मोटे। अबे इनका क्या आवाज निकाल एक लालू यादव का, अरे सुनो निकालना का है वो तो नेचुरल है। बिहार जब आइएगा तो हमसे मिलिएगा, जहां बोलिएगा वहां घुमा देंगे, पूरा जो एरिया है हम देखे हुए। अरे मेरी लुंगी फटी ना तो एकदम एयर कंडीशन में क्या नल का पानी क्या पिए गिरे? ए क्या बात क्या बात क्या बात दाल भात। मुकेश का नजर, जो बच्चे गोल गोल घुमा करते हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा अगर गिर जाओगे तो चोट लग जाएगी और शक्तिमान ये नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे को चोट लगे। एक हमारे वो अपना सनसनी वाले श्री वर्धन, अभी वक्त है एक ब्रेक का, पल भर में सनसनी फिर लौटेगी आपको सन कर देगी। बोला ऐसा शक्ल रहेगा तो भैया सन कर ही देगा। लोग कह रहे सब हो गए लेकिन मेरे हिसाब से भी कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलिए अपना ध्यान रखना, रख लेना, घर वाले से प्यार करो, जी भर के प्यार करो, घर वाले चाहे किसी की हो प्यार करो करो।